फिरोजाबाद अखिल भारतीय पुलिस सहयोग संगठन फिरोजाबाद की टीम ने रविता गुप्ता प्रदेश कार्यकारिणी उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में महामहिम राष्ट्रपति महोदय व प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन डीएम फिरोजाबाद को सौंपा, जिसमें देश की आंतरिक सुरक्षा व मजबूती के लिए लिए वर्षों से प्रयत्नशील अखिल भारतीय पुलिस सहयोग संगठन की प्रमुख मांगों को लेकर आवाज उठाई। देखिए उत्तर प्रदेश फिरोजाबाद से जिला संवाददाता दीपक शर्मा की यह रिपोर्ट। ये कल्पना चतुर्वेदी जी, आपने जो ज्ञापन दिया है किस संदर्भ में दिया है, क्या क्या मांगे हैं? हम पुलिस के जो शुरू से जो अंग्रेजों के समय से जो चले आ रहे नियम हैं उनमें बदलाव चाहते हैं। जी, किस तरीके के और क्या मांगे? कुछ बदलाव ये हैं कि एक तो जो इनको काला कानून जो चल रहा है वो हमें चेंज करवाना है, जो अंग्रेजों के जमाने के जो नियम है काला कानून है उनको चेंज करना है, और दूसरा है इनको भत्ता दिया जाए, जो इनको भत्ता दिया जाए जो अभी तक इतना मिल नहीं रहा है उनको, और एक इनको रहने के लिए इनके पास जो सुविधाएं नहीं हैं वो सुविधाएं दी जा रही हैं, और एक जो है आपको जो वेतन भत्ता बढ़ना चाहिए, और इनको जो साइकिल के जो है इसकी जगह पर हम चाहते हैं कि पेट्रोल मोटरसाइकिल का पेट्रोल का खर्चा दिया जाए, जिससे ये समय पर जहाँ पे जरूरत हो वो पहुँच सके। तो हमारी ये मांगे हैं, जैसे कि पुलिस डिपार्टमेंट जो हमारी इतनी सहायता करता है तो थोड़ा क्विक थोड़ा जल्दी काम करे।